नमस्कार, इस समय हम भारत पाकिस्तान सीमा पर गराना वेटलैंड में मौजूद हैं। हमारे साथ वन्य विभाग के रेंज अधिकारी हैं, उनसे बात करेंगे। जम्मू कश्मीर टुडे में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर, ये कितने पंछी आ चुके हैं और कितने कब कब आते हैं, थोड़ा विवरण दीजिएगा। सर, जो लोकल रेजिडेंट बर्ड्स हैं वो तो हैं जी, लेकिन कुछ बर्ड्स जो जैसे नॉर्दर्न शेवलर है जी, रेड आइबिस है जी, ये पक्षी आ चुके हैं। और जो हमारा मेन अट्रैक्शन होता है जो वो है गीज होता है, गीज तो ये तो नवंबर में फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में आ जाएंगे, डिपेंड करता है जितनी सर्दी वहाँ जल्दी पड़ेगी उतने जल्दी आएंगे, उतने जल्दी। अगर वहाँ पे सर्दी लेट हुई ये थोड़े से लेट हो जाएंगे, लेट आएंगे। अच्छा सर, ये जाने का इनका टाइम क्या होता है? सर, अप्रैल में फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल और लास्ट वीक ऑफ मार्च जी। तो ये पहले से काफ़ी बड़ा दिख रहा है वेटलैंड जी, तो क्या कुछ और भूमि अधिग्रहण की गई है? भूमि सर वही है, 408 कनाल जो हमने पहले अक्वायर की हुई है जी, लेकिन इसका जो वेटलैंड वो थोड़ा सा वो बढ़ा रहे हैं हम उसको जी, पानी वाला एरिया थोड़ा बढ़ा रहे हैं जी। अच्छा, जैसे आम लोग थोड़ी सी शिकायत करते हैं कि यहाँ कोई गाइड नहीं हमें बताने वाला कि ये पक्षी कौन सा है, ये कौन सा है, ऐसी कोई व्यवस्था होगी यहाँ? नहीं सर, अभी हमारे पास जो 3-4 हमारे पास लड़के हैं, अगर आप चाहें तो उनसे कोई भी बर्ड का आप नाम पूछ सकते हैं, हमारे पास है। उनको जानकारी रहती है? बिल्कुल सर। तो ये जो बर्ड वाचिंग का एरिया है जी, ये क्या बढ़ाया जाएगा? ये काफी देर से इतना छोटा सा है। बर्ड वाचिंग के साथ आप सामने मेरे पीछे देखें तो एक वाच टावर बन रहा है जी, वो वाच टावर बन रहा है इसलिए बन रहा है कि वहाँ से आप देख सकते हैं, वो एक हमारी बिल्डिंग बन रही है, उसके टॉप पे भी हमारा सुविधा रहेगी देखने के लिए जी। आपने जम्मू कश्मीर टुडे से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप हाल ही में इसी विभाग से रिटायर हुए, कुछ अपना तजर्बा बताएंगे पक्षियों के बारे में जी। ये पुतिन के देश से आते मेहमान परिंदे हैं जम्मू कश्मीर के, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, अभी जो इस मंथ में जो बर्ड है हमारे जी, ये अभी बार हेड गी तो आया नहीं अभी। अच्छा। ये नवंबर में आएगा शायद जी। अभी जो अवेलेबल हैं यहाँ पे जी, ये हैं अपने कॉमन कूट है जी, और ये पिन टेल है जी, और इसके बाद ये आती है अपने कार्मोरेंट है, लिटिल कार्मोरेंट है जी, जैसे ये बुली नेकड स्टार्क भी आए हुए हैं 2-3 जी। उसके बाद फिर ये अपने आगे ग्रे हरान है, पर्पल हरान है जी, काफ़ी सारे बर्ड अभी भी यहाँ पे लोकल बर्ड हैं जी। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि जैसे ये आते हैं उसके बाद यहाँ प्रजनन करते हैं, तो क्या जब जाते हैं तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा, वो बच्चे इतनी उड़ान भर लेते हैं? नहीं सर, ये बच्चे यहाँ पे तो देते नहीं है। अच्छा, यहाँ प्रजनन नहीं होता, बच्चे नहीं, नहीं यहाँ पे इनका आना होता है, सिर्फ ये देखते हैं कि यहाँ पे खाने को मिल जाए कुछ। अच्छा, भोजन। हम गेहूँ जो है ना सर जी, गेहूँ जो है उसको साग करके जी इनको डाला जाता है। अच्छा, तो वही ये खाते हैं। पहले जमींदारों की यही होती थी कि जमींदार कहते थे कि हमारी फसल खा जाते हैं जी। अब डिपार्टमेंट ने कुछ ऐसा किया है कि डिपार्टमेंट खुद गेहूँ बेच रहा है जी, गेहूँ खरीदते हैं, खरीद के उनको साग करके किला करके फिर दूसरे तीसरे दिन इनको डाला जाता है, डेली का डेली। अच्छा, इनको डाला जाता है। अच्छा, तो अब ये बाहर जाना थोड़ा कम हो गए हैं जी, इसी एरिया में अपने एरिया में ये घूमते हैं ज़्यादातर। और शाम के टाइम इनकी खासियत है, शाम के टाइम 4:30-5 बजे यहाँ से उड़ान भर के ये पाकिस्तान भी चले जाते हैं। ये पाकिस्तान का वेटलैंड साथ ही लगता है? हाँ जी, हाँ जी। तो ग्रेजिंग के लिए ये पाकिस्तान भी चले जाते हैं, वहाँ पे फीडिंग करके फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, तो सुबह के टाइम फिर ये यहाँ से उड़ान करके फिर पाकिस्तान जा सकते हैं, वहाँ जाके फीडिंग करके फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, इनका यही है सर। तो अभी ये नवंबर के लास्ट तक आ जाएंगे, आना शुरू हो जाएगा। सबसे ज़्यादा संख्या इन्हीं की है, बारह की जी। आपने जम्मू कश्मीर टुडे से बात की, नई जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। ये देखिए, ये गराना वेटलैंड भारत पाकिस्तान सीमा के साथ है, और हमें नई जानकारी पता चली है कि विभाग ने खुद गेहूं जो है वो सो करके गीला करके इनके लिए रखा है, और अब इनको खाने की कोई समस्या नहीं। जैसे कि स्थानीय लोग कभी ये शिकायत करते थे कि हमारी गेहूं, हमारी फसल ये चट कर जाते हैं, फसल चौपट हो जाती है, लेकिन अब विभाग ने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि इनको गेहूँ जो है खुद सो करके देते हैं, गीला करके गेहूँ इनके लिए रखा जाता है। और जैसे नई जानकारी ये पता चली है कि सामने उस ओर पाकिस्तान है, और वहाँ पे ये शाम को 4-5 बजे उड़कर वहाँ भी जाते हैं, वहाँ से चुगने के बाद ये फिर वापस यहीं लौटते हैं।
माना जाता है कि हिंदुस्तान में क्योंकि इनके शिकार पर प्रतिबंध है इसलिए यहाँ ये सुरक्षित हैं, और ऐसा कहा जाता है कि पाकिस्तान के इलाके में इनका शिकार किया जाता है इसलिए ये वहाँ पर कम जाते हैं। आपको ये जानकारी कैसे लगी? हमें वन विभाग के अधिकारियों से भी आपसे बात करवाई है। आपका कोई नया सुझाव, कोई नई जानकारी आप लेना चाहेंगे अवश्य बताइए, क्योंकि जम्मू कश्मीर टुडे अब आपको प्रति सप्ताह ये जानकारी देगा। ये देखिए सामने पुतिन के देश के मेहमान पक्षी अटकेलियाँ करते हुए, तो फिर जो आप जानकारी चाहेंगे हम आपको प्रतिदिन के हिसाब से बताएंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।